मध्य प्रदेश पर भगवान इंद्रदेव की इस बार कृपा नहीं है, जिसकी वजह से प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। सूखे के हालात ऐसे हैं कि सीएम शिवराज भी भगवान से बारिश की गुहार लगा रहे हैं। सीएम का कहना है कि 50 साल में ऐसा संकट कभी नहीं हुआ है जैसा इस साल है। बारिश नहीं होने से बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है, डैम में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार मॉनसून मेहरबान नहीं हुआ। प्रदेश के अधिकांश जिलों में औसत से कम बारिश हुई। कम बारिश का असर प्रदेश में चारों ओर दिखने लगा है। गांव में खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी है, तो हर साल बारिश के मौसम में लबालब रहने वाले प्रदेश के डैम इस बार सूखे पड़े हैं, जिससे खेतों के लिए पानी तो दूर, शहरों में पीने के पानी की सप्लाई में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के इलाकों में लोग भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के टोटके कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भगवान से गुहार लगा रहे हैं, हे भगवान बारिश करा दो। तो अभी ये भादो चल रहा है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बारिश एक बार जरूर हो जाए ताकि हम फसलें बचा सकें। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कम बारिश होने से प्रदेश में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। कम बारिश होने से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। सीएम का कहना है संकट इतना विकराल है कि ऐसा संकट पिछले 50 सालों में देखने को नहीं मिला है। मैं रात को रात भर परेशान रहा, क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा गया और सूखा जाने के कारण बांध भी नहीं भरे पूरे, और बिजली की डिमांड एकदम बढ़ी, इसलिए कि फसलें अगर बचाना तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई, तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें, लेकिन ये स्थिति संकट की है। 50 साल में ऐसा संकट सूखे का नहीं आया। मध्य प्रदेश में बारिश का हाल ऐसा है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 45 जिलों में मॉनसून उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अगस्त महीने में इन जिलों में कहीं 12% तो कहीं 94% कम बारिश हुई। प्रदेश में अगस्त के महीने में ही कोटे की 40% तक बारिश का ट्रेंड है। इस साल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में 11 साल में सबसे कम बारिश हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में बारिश का ये हाल है कि 1 जून से 31 अगस्त तक ओवरऑल 26.05 इंच बारिश हुई है, जबकि अब तक 30.81 इंच बारिश होनी चाहिए थी। इस हिसाब से इस साल जून से अगस्त तक 15% कम बारिश हुई। अगस्त के महीने में 7.94 इंच पानी गिरा है, जबकि 13.15 इंच बारिश होनी चाहिए थी। आंकड़ों के हिसाब से करीब 40% पानी कम गिरा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में इस बार जुलाई में पूर्वी मध्य प्रदेश में 25% तक बारिश कम हुई, जबकि जुलाई में पश्चिमी हिस्से में 10-12% ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 44 जिलों में औसत से बहुत कम बारिश हुई है। 44 जिलों में से 8 जिले शाजापुर, नीमच, उज्जैन, राजगढ़, मंदसौर, खंडवा और आगर मालवा जिलों में 80% तक कम बारिश हुई है। प्रदेश के 4 बड़े शहरों की बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो भोपाल में इस बार पिछले 11 साल में सबसे कम 4.23 इंच पानी गिरा है। इंदौर में 11 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब महीने भर सिर्फ 2.42 इंच पानी गिरा है। वहीं ग्वालियर में भी पिछले 11 साल में सबसे कम बारिश यानी 10 इंच से कम रहा है। हालांकि जबलपुर में ऐसे हालात नहीं रहे, वहां अगस्त में 16.78 इंच पानी गिरा है। वहीं मानसून में प्रदेश के डैम की बात करें तो कोलार, बरगी, इंदिरा सागर, तवा और तिल्लर डैम ही छलके हैं, बाकी डैम खाली है। आंकड़ों पर गौर करें तो कोलार में टैंक का लेवल 462.21 मीटर, जबकि जलस्तर 458.01 मीटर है, जबकि 4.19 मीटर अभी भी खाली है। वहीं अगर तवा की बात करें तो तवा में टैंक लेवल 355.4, वहीं जलस्तर 354.6, जबकि 0.80 अभी खाली है। बाणसागर की बात करें तो बाणसागर में 34.64 मीटर टैंक लेवल है, जबकि जलस्तर 340.22 मीटर है। वहीं यहां 1.42 मीटर अभी भी खाली है।
वहीं संजय सागर में टैंक का लेवल 448.2 मीटर है, जबकि जलस्तर 444.74 मीटर है। वहीं 3.46 मीटर अभी भी खाली है, जबकि गांधी सागर की बात करें तो यहां 399.9 मीटर टैंक का लेवल है, जबकि जलस्तर 396.24 मीटर है, तो वहीं 3.66 मीटर अभी भी खाली है। प्रदेश में 5 डैमों को छोड़कर बाकी के डैमों के जलस्तर का यही हाल है, जो मानसून में लबालब भरे होते थे वही डैम इस साल भरने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में भारी सूखे के हालात पैदा हो गए हैं, जिसने आम आदमी से लेकर सरकार तक की टेंशन बढ़ा दी है। टीम न्यूज़ 8।